हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुचिरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल गेम सीखो हिंदी में। पर दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी गेम जिसके कई सारे वर्जन्स आपने किताबों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, यहाँ तक कि कहानियों में भी सुना होगा। सदियों से खेली जाने वाली इस पॉपुलर गेम का नाम है डाइस। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे डाइस गेम कैसे खेला जाता है और इसके रूल्स क्या है। दोस्तों, डाइस को कई लोग पासा के नाम से भी जानते हैं। आप इस गेम को ऑनलाइन पोर्टल्स, लाइव कैसीनोज या तो फिर घर पे भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खेल सकते हैं। डाइस गेम बहुत ही सिंपल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई कैलकुलेशन या लॉजिक की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वीडियो को बस कुछ ही मिनट्स के लिए ध्यान से देखेंगे तो तुरंत ही इस गेम को सीख सकते हैं और खेलना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ चार बॉक्सेस डिस्प्ले पर है और इन बॉक्सेस में डिस्प्ले होती है एक नंबर जो कि 3 डिजिट या 4 डिजिट की हो सकती है। दोस्तों, ये नंबर रैंडमली ओपन होती है और आपको बेट करना है कि ओपन होने वाली नंबर कौन से नंबर रेंज में होगी। चलिए जानते हैं कि नंबर रेंज क्या होती है और इस गेम में आप रेंज को चूज करके उस पे कैसे बेटिंग कर सकते हैं। डाइस में 0 से लेके 9999 में से कोई भी नंबर ऊपर दी गई बॉक्सेस में ओपन हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रेंज लाइन के ऊपर एक कर्सर जिसे हम लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं वो भी अवेलेबल है, और कर्सर पे है एक नंबर जो चेंज होती है कर्सर के मूव होने के साथ साथ। दोस्तों, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे डाइस गेम में रेफरेंस नंबर बोला जाता है और यही रेफरेंस नंबर के ऊपर डिवाइड होती है हमारी नंबर रेंज। सिर्फ यही नहीं, रेंज लाइन 2 हिस्सों में डिवाइड होती है रेफरेंस नंबर के बेसिस पे। इन दोनों हिस्सों में से किसी भी एक पे आपको बेट प्लेस करना है कि ओपन होने वाले नंबर कौन से रेंज में होगी। अगर ओपन होने वाले नंबर आपके सिलेक्ट किए हुए नंबर रेंज में आ गई तो आप ये गेम जीत जाएंगे, और अगर ओपन होने वाले नंबर आपके सिलेक्ट किए हुए नंबर रेंज में नहीं गिरती है तो आप ये गेम हार जाएंगे। दोस्तों, अब तक रेफरेंस नंबर का इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन यहाँ मेंशन करना चाहूंगी कि आप कौन सा नंबर रेंज सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका विन चांस भी, यानी कि आपके सिलेक्ट किए हुए रेंज के जीतने के चांसेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी कितनी है। रेफरेंस नंबर के लेफ्ट और राइट इन दोनों हिस्सों के विन चांस बेट प्लेस करने से पहले आपको एक आइडिया देती है कि आपके जीतने की चांसेस 100 में से कितना हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मैं अपना रेफरेंस नंबर सिलेक्ट कर रही हूँ 5000, यानी कि अब मेरे पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है बेट प्लेस करने के लिए। एक ऑप्शन है नंबर रेंज 0 से 4999 और दूसरा है 5000 से 9999। चलिए मैं अपना रेंज सिलेक्ट करती हूँ 0 to 4999, यानी कि अगर ओपन होने वाले नंबर 0 से लेकर 4999 में से कोई भी नंबर होती है तो मैं ये गेम जीत जाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा विन चांस है 50, मतलब मेरे जीतने के चांसेस है 50-50, और मेरा पे आउट रेशियो है 1.96, यानी कि 1000 रुपए के बेट पे जीतने पर मुझे मिलेगा 1960 रुपए, 1960 रुपीज। दोस्तों, तो चलिए मैं 1000 रुपीज सिलेक्ट करके प्ले बटन प्रेस कर रही हूँ। देखते हैं कि मेरे सिलेक्ट किए हुए नंबर रेंज में ओपन होने वाली नंबर आती है या नहीं। एंड यस, ओपन हुआ है 3865 जो 0 to 4999 के रेंज में है, और इसका मतलब हुआ कि मैं जीत गई हूँ और मेरा बैलेंस भी बढ़ चुका है। अब रेफरेंस नंबर को थोड़ा और चेंज करते हैं एक और एग्जांपल के साथ। इस बार मैं कर्सर को प्लेस कर रही हूँ 7067 पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मेरे पास रेंज अवेलेबल है 0 to 7066 और 7067 से 9999 तक। अगर मैंने 0 to 7066 का नंबर रेंज सिलेक्ट किया तो मेरा विन चांस काफ़ी हाई है, दैट इज 100 में से 70.67% चांसेस है मेरे जीतने की। उस हिसाब से अगर मैंने 7067 to 9999 का रेंज सिलेक्ट किया तो मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी होगी 29.33, और उसमें मेरा पे आउट रेशियो रहेगा 3.3413, यानी कि 1000 रुपीज़ के बेट पे मैं जीत सकती हूँ 3341.3 रुपीज़। तो चलिए अब सिलेक्ट करते हैं अमाउंट, और मैं अपना बेट प्लेस कर रही हूँ 7067 से 9999 के रेंज पर 1000 रुपीज़ का, एंड लेट्स प्ले। यस, एक बार फिर से मैं गेम जीत चुकी हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरा पे आउट रेशियो के हिसाब से मेरा बैलेंस भी बढ़ चुका है। दोस्तों, ये गेम आप जितनी बार चाहे उतनी बार बेट प्लेस करके खेल सकते हैं और पैसा लगा के पैसा जीत भी सकते हैं। तो ये था डाइस, एक ऐसी गेम जो बहुत ही सिंपल है और आपके रिस्क टेकिंग एपेटाइट, यानी कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं उसे भी टेस्ट करती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और डाइस के सारे रूल्स भी आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताइए और हम तुरंत ही आपका आंसर देंगे। जाने से पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक और ऐसे मजेदार गेम के साथ। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। खेलते रहिए और गेम सीखो के साथ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।